मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। दोनों का अपना यूनिक स्टाइल था। आज मौसम बड़ा बेईमान है। क्यों आ गई उनके यहाँ। दोनों ने जितने गाने सिंगल गाए लगभग उतने ही ड्यूएट भी गाए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, दिल एक मंदिर है, दिल पुकारी सारी नारी नारी। कई फिल्मों में दोनों ने एक ही गाने के अलग अलग वर्जन में भी अपनी आवाज दी। परदेसियों से न अखियां मिलाना, हमसे बच कर कहां जाएगा। इन गानों की धुन एक होने के बावजूद दोनों की गायकी की अलग अलग खुशबू महसूस की जा सकती है। लेकिन इस गाने में संगीतकार ने लता जी को बिल्कुल रफी साहब की स्टाइल में गाने की हिदायत दी थी, जिससे लता जी संगीतकार पर बरस पड़ी थी। एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल। यह घटना मशहूर फिल्म जंगली की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी। क्या थी यह पूरी बात और इस फिल्म ने कामयाबी के कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाए, हम यही बताने वाले हैं आज की इस खास पेशकश में। कश्मीर की बेहद खूबसूरत वादियाँ, बर्फ से ढके पेड़ और मैदान, फिजाओं में गूंजती रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़, हसरत जयपुरी और गीतकार शैलेंद्र के दिल छू लेने वाले बोल, शंकर जयकिशन का सुपरहिट संगीत और इस सर्द मौसम में अपने रोमांस से आग लगा देने वाले शमी कपूर और न्यू कमर सायरा बानो। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। 1961 में रिलीज हुई फिल्म जंगली ने तूफान मचा दिया था। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के उस जमाने की ये पहली रंगीन रोमांटिक फिल्म थी। इस फिल्म से शम्मी कपूर की याहू बॉय की जो इमेज बनी वो हमेशा के लिए उनकी पहचान से जुड़ गई। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। इसके सभी गाने बहुत हिट हुए। कश्मीर की गली में मुझसे ना रूठो बाबूजी। लेकिन जिस गाने की आज हम बात कर रहे हैं उसे मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने अलग अलग गाया था। एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर। इस फिल्म में शाही परिवार के शम्मी कपूर की मां बनी ललिता पवार को बहुत कड़क मिजाज दिखाया गया है। वो शम्मी कपूर को बेहद कड़े अनुशासन में पालती हैं। शम्मी कपूर पर खानदान और राजशाही परंपरा निभाने का दबाव बनाया जाता है। लेकिन कश्मीर की रूमानी वादियों में जब वो सायरा बानो के संपर्क में आते हैं तो ये सब बातें धूल की तरह उड़ जाती है और बाकी रह जाता है केवल प्यार प्यार और प्यार। मुझे पलकों की छांव में रहने दो। इस गाने के जरिए शम्मी कपूर को सायरा बानो के सामने करीब करीब प्रेम की भीख मांगनी होती है। तुमने मुझको हंसना सिखाया। शम्मी कपूर की तरह सायरा बानो भी फिल्मी बैकग्राउंड से थीं। उनकी मां नसीम बानो को बॉलीवुड में सेक्स सिंबल का दर्जा मिला था और सायरा बानो की खूबसूरती का जादू भी दर्शकों पर खूब चला। इंग्लैंड में पढ़ी लिखी सायरा बानो की ये पहली फिल्म थी जिसमें वो एक्टिंग की अपनी कमजोर क्षमता के बावजूद पर्दे पर शम्मी कपूर को बराबरी की टक्कर दे रही थी। मर भी गए तो देंगे दुआ। इस गाने को हसरत जयपुरी ने लिखा था, जो प्रेम और रोमांस के लिए
आम बोलचाल की भाषा में बेमिसाल गीत लिखा करते थे। चाहे बना दो चाहे मिटा दो। रफी साहब पर्दे पर शम्मी कपूर जी के लिए आवाज दे रहे थे और हमारे नियमित दर्शक जानते हैं कि पर्दे पर शम्मी कपूर नाम के तूफान को केवल रफी साहब की आवाज ही पसंद आती थी। रफी साहब और शम्मी जी की केमिस्ट्री इतनी परफेक्ट थी कि रफी साहब डायरेक्टर के बिना बताए समझ जाते थे कि इस गीत पर शम्मी कपूर किस तरह लिपसिंग करेंगे, कहां कहां पर अंगड़ाइयां लेंगे और कहां पर उछल कूद मचाने लगेंगे। तड़पे की मोहब्बत हमारी मेरे यार शब्बा खैर। वो उसी तरह अपनी गायकी में वो अदाएं भर देते थे। रफी साहब की तरह शंकर जयकिशन भी शम्मी कपूर के फेवरेट थे। उनकी 22 फिल्मों में शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था। खास तौर पर जयकिशन जी से उनकी खूब बनती थी। जब जयकिशन जी ने यह गाना तैयार किया उस समय शम्मी साहब विदेश में थे, लेकिन जयकिशन जी ने उनके लौटने का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने फ़ोन पर शम्मी कपूर को इसकी धुन बजाकर सुनाई। जब धुन फाइनल हो गई तो फिर रफ़ी साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया। तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। लेकिन इसी दौरान फिल्म की स्टोरी में थोड़ा बदलाव हो गया। शुरुआत में ये गाना केवल मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ही प्लान किया गया था। फिर फिल्म की ज़रूरत को देखते हुए ये तय किया गया कि इसे टैंडम सॉन्ग की तरह इस्तेमाल किया जाए। इसका एक वर्ज़न सायरा बानो पर फिल्माया जाए जो स्वप्न दृश्य या ड्रीम सॉन्ग होगा। ये गाना लता जी को गाना था। आमतौर पर पहले गाना रिकॉर्ड होता है, उसके बाद उस पर एक्टिंग या शूटिंग होती है। लेकिन उस वक्त लता जी की डेट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए निर्देशक सुबोध मुखर्जी ने कहा कि फिलहाल सायरा बानो पर यह गाना रफ़ी साहब के गाए वर्जन पर ही शूट कर लिया जाए। आप इस गाने में सायरा बानो को जो लिपसिंग करते हुए देख रहे हैं, इसकी शूटिंग उन्होंने रफ़ी साहब यानी मेल वॉइस पर की थी। मुझे पलकों की छांव में रहने दो। दोस्तों, हर गायक की अपनी खासियत होती है। अगर एक ही गाना दो वर्जन में फिल्माया जाए तब भी महिला और पुरुष सिंगर कुछ ना कुछ बदलाव कर ही देते हैं, जो हीरो या हीरोइन की एक्टिंग में साफ नजर आता है। लता जी जब इसकी रिकॉर्डिंग के लिए आईं तो उनको पहले ही इस गाने के फुटेज और रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत सुनाया गया, खास तौर पर वो हिस्सा जिसमें मोहम्मद रफ़ी जी के गाने पर सायरा बानो ओंठ हिला रही थी। शंकर जयकिशन ने उनसे कहा कि इस गाने में ज़रा भी तब्दीली की गुंजाइश नहीं है, आपको ये गाना बिल्कुल वैसा ही गाना है जैसा रफ़ी साहब गा चुके हैं। लिहाजा इसमें लता जी ने मोहम्मद रफ़ी जी के गाए गाने को डमी ट्रैक की तरह इस्तेमाल किया। चाहे बना दो, चाहे मिटा दो। रफ़ी साहब ने इस गाने में कई हाई नोट्स लिए थे। रफ़ी साहब शम्मी कपूर जी के लिए खास तौर पर ऊंचे स्वर में गाते थे। तुमने मुझको हंसना सिखाया। किसी दूसरे गायक या गायिका के लिए रफ़ी साहब की तरह ऊंचे स्वर में राग को बरकरार रखना आसान नहीं था, लेकिन लता जी ने इस गाने को बिल्कुल रफ़ी साहब की तरह गाया। हालांकि वो बाद में शंकर जयकिशन से बोली कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक ही गाना जिस तरह हीरो पर शूट हो सकता है वैसा का वैसा हीरोइन पर शूट नहीं होता। इस सुपर डुपर हिट फिल्म ने 1961 में 1,75,00,000 रुपए की कमाई की थी, जो आज के हिसाब से करीब 500 करोड़ होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस बारे में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।